आज के समय में धरती पर एक से बढ़कर एक शिकारी मौजूद हैं। बात जब विशाल शिकारियों की आए तो एक मगरमच्छ किसी से भी पीछे नहीं है। यह पत्थर से चमड़ी वाले विशालकाय दानव एक बार अपने शिकार को जबड़े से पकड़ लें तो उसकी मौत तो पक्की है। जरा सोचिए, यह जीव अगर आज के समय में इतने खतरनाक हैं तो डायनासोर के जमाने में कितने जानलेवा हुआ करते होंगे। आज से 13 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान धरती पे एक विशाल मगरमच्छ घूमा करता था जिसका नाम था सार्कोसोकस। उस समय सार्कोसोकस के डर से बड़े बड़े डायनासोर भी नदियों के किनारे पानी पीने से घबराते थे, क्योंकि कोई भी डायनासोर कितना भी शक्तिशाली हो, एक बार सार्कोसोकस उसे पकड़ ले तो वह खींचकर उसे पानी में ले जाता था और इस मगरमच्छ का भोजन बन जाया करता था। सार्कोसोकस करोड़ों साल पहले उस जगह पे रहते थे जो कि आज सहारा डेजर्ट में बदल चुका है, इसलिए इसका सबसे पहला सबूत सहारा डेजर्ट में ही मिला। 1946 से 1959 के बीच में इस खतरनाक जीव के दांत और सिर मिले, लेकिन साल 1964 में पहली बार एक पूरे सार्कोसोकस का फॉसिल मिला, जिसे देखकर वैज्ञानिक इसलिए हैरान हो गए क्योंकि इसके दांत, सिर और शरीर का साइज पहले मिले सबूतों से कहीं बड़े थे। इस फॉसिल की लंबाई 40 फीट थी जो कि 10 करोड़ साल पुराना था। इस फॉसिल से वैज्ञानिकों को पता चला कि सार्कोसोकस कम से कम 40 फीट के थे और जो फॉसिल पहले मिले थे वे जरूर इस मगरमच्छ के बच्चे का होगा। सार्कोसोकस का वजन 10 टन तक हुआ करता था, जो कि हमें बताता है कि इनका शिकार भी बड़ा होता होगा, यानी कि सार्कोसोकस अपने से भी बड़े डायनासोर को मारने में सक्षम थे। इनकी लंबाई कितनी ज्यादा थी इस बात का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि लोलोंग नामक मगरमच्छ आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था, जो कि 20 फीट लंबा था, यानी कि सार्कोसोकस की लंबाई का आधा। लोलोंग को ऑस्ट्रेलिया के जू में रखा गया था जिसका वजन 1035 किलो था, यानी कि सार्कोसोकस आज के समय में धरती के सबसे बड़े मगरमच्छ के मुकाबले 10 गुना ज्यादा वजनदार था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या 40 फीट ही सार्कोसोकस की सबसे बड़ी लंबाई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि सार्कोसोकस की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन मगरमच्छों के स्केलेटन पूरी जिंदगी बढ़ते रहते थे। जैसे आज के मगरमच्छ 10 साल की उम्र के बाद बड़े नहीं होते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सार्कोसोकस की लंबाई कभी बढ़ना रुकती नहीं थी और इस बात की पूरी संभावना है कि इनकी लंबाई 60 से 80 फीट तक भी होती होगी। फर्क इतना है कि आज तक हमें इनके इतने बड़े फॉसिल नहीं मिल पाए हैं। इस जीव के 35 विशालकाय दांत ऊपर की ओर दोनों साइड थे, वहीं 31 दांत नीचे जबड़ों के दोनों साइड मौजूद थे। सबसे हैरानी वाली बात है कि सार्कोसोकस मगरमच्छ की सबसे खतरनाक चीज डेथ रोल को नहीं करा करते थे, जो कि इसलिए किया जाता है ताकि मगरमच्छ अपने शिकार के टुकड़े कर सके, लेकिन सार्कोसोकस का शरीर इस डेथ रोल को नहीं कर सकता था, जिससे पता चलता है कि वे अपने दांतों से ही अपने शिकार को टुकड़ों में तोड़ के खा जाया करते थे। इनके मुंह के अंत में एक स्नाउट हुआ करता था जो कि ठीक भारत में पाए जाने वाले घड़ियाल की तरह दिखता था, और ऐसा भी हो सकता है कि सार्कोसोकस ही आज के घड़ियाल के पूर्वज हों। सबसे रहस्यमय बात इनकी यह है कि कोई भी ठीक से नहीं जानता कि सार्कोसोकस कब इस धरती से विलुप्त हो गए, इसलिए कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह विशालकाय जीव आज भी धरती पे मौजूद हो सकते हैं। कुछ लोग इन्हें अमेज़न जंगल की नदियों में छिपे रहने की बात करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह मगरमच्छ फिलीपींस के जंगल में पाया जा सकता है, जहां दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ लोलोंग को पकड़ा गया था। अगर देखा जाए तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें 20 फीट लंबा मगरमच्छ मिल सकता है, लेकिन ऐसा मगरमच्छ था और उसे लोलोंग के रूप में पकड़ा भी गया, तो इस बात की भी संभावना है कि आज भी धरती के किसी नदी में सार्कोसोकस मौजूद हो। तो क्या होगा अगर सार्कोसोकस कभी भी विलुप्त ना हुए हों और आज भी जिंदा हो। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह विशालकाय जीव उस जगह पाया जाया करते थे जहां आज सहारा डेजर्ट है, यानी कि अगर वे आज भी जीवित होते तो यह मगरमच्छ अपने आप को सूखे एनवायरनमेंट में रहने को ढाल लेते और अपने शरीर को जमीन पे ज्यादा रहने के लिए बदल लेते, जिसके चलते ऐसा हो सकता था कि वे धरती का सबसे बड़ा मगरमच्छ के साथ साथ सबसे तेज भागने वाला मगरमच्छ भी होता। हम इंसान जरूर इन्हें पकड़ने की सोचते और जू में रखते जहां इसे किसी प्रकार का खतरा ना हो और वे कई सालों तक जीवित रह सके। जैसा मैंने पहले बताया था कि इन जीवों की लंबाई पूरी जिंदगी बढ़ती रहती है, यानी कि अगर हम इसे कैद करके रखें तो हमें 60 से 70 फीट तक का मगरमच्छ देखने को भी मिल सकता था, और यह दृश्य हर इंसान के लिए ऐतिहासिक होता। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।